सो गाइस फाइनली वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो भाई इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, ये आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन है एंड बहुत ज़्यादा ये डिमांडिंग टॉपिक है कि हम लोग क्या इन्फिनिक्स GT10 प्रो पे हम कॉम्पिटिटिव खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्फिनिक्स GT10 प्रो लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा बजट फ़ोन है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन अच्छा दे रहा है। तो बहुत लोगों का मन में क्वेश्चन है क्या हम लोग इस फ़ोन के अंदर कॉम्पिटिटिव खेल सकते हैं, मतलब इस फोन से हम लोग कॉम्पिटिटिव खेल सकते हैं क्या BGMI का। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ आप लोगों को एंड आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, फिर आप लोगों को समझ आएगा कि आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं कॉम्पिटिटिव के लिए। तो भाई उससे पहले लास्ट वीडियो को शाउट आउट दे देते हैं। तो लास्ट वीडियो को पहला शाउट आउट जाता है भाई, शाउट आउट करके एक बंदे ने कॉमेंट किया जिसका नाम यूजर से कुछ है, तो उनका नाम तो पता नहीं जा रहा, एंड आदित्य टू बिग शाउट आउट टू यू। तो आप दोनों को मेरी तरफ से शाउट आउट, अगर आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो मेरे इस वीडियो पे कॉमेंट करो, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मेरे शाउट आउट दे दूंगा। एंड भाई वीडियो को लेकर या फोन को लेकर अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरे कॉमेंट आप लोग पूछ सकते हो, सबको रिप्लाई मिलता है भाई, किसी को नहीं छोड़ता, सबको रिप्लाई मिलता है, तो आराम से पूछो सबको आंसर मिलेगा। तो अभी वीडियो के मेन टॉपिक पे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई उससे पहले बोलना चाहता हूं भाई, आप लोग ने अगर लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, बनाने के लिए मेहनत लगता है और मोटिवेट करता है यार आप लोग को लाइक। तो अगर वीडियो पर लाइक आए तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी बनाने का मन करता है, तो भाई लाइक कर दो मोटिवेट के लिए। एंड भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी ग्रोइंग का टाइम है, अभी थोड़ा आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। तो भाई गेम प्ले मॉन्टेज डालते रहता हूं चैनल पे, डेली वीडियो आते हैं, तो भाई थोड़ा सब्सक्राइब कर लो तो थोड़ा सपोर्ट भी हो जाएगा। तो अभी चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी बैकग्राउंड पे गेम प्ले को एंजॉय करो एंड हम अभी वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग का जो क्वेश्चन है वो है कि हम इन्फिनिक्स GT10 प्रो पे कॉम्पिटिटिव खेल सकते हैं। तो भाई पहले ये समझो कि एक गेम को अच्छा रन करने के लिए फोन पे क्या जरूरत होता है। फोन पे मेन चीज का जिससे जरूरत होता है वो होता है प्रोसेसर। पहला तो फोन का प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए तो गेम को सही से रन कर पाएगा, एंड दूसरा जो प्रोसेसर स्टेबल भी होना चाहिए, क्योंकि अच्छा प्रोसेसर बहुत सारे फोन पर आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा हाई फाई से एक प्रोसेसर लगाया गया है बट वो फिर भी लैग मार जाता है जब बंदे आते, क्योंकि वो स्टेबल नहीं किया जाता। आईफोन का प्रोसेसर तो सही है बट वो स्टेबल भी बहुत अच्छे से किया जाता है आईफोन पे। तो इन्फिनिक्स फोन पे आपको मिल जाता है डायमंडसिटी का 8050 वाला प्रोसेसर, जो स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर से पावरफुल एंड स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर से थोड़ा डाउन है, तो 860 प्रोसेसर से पावरफुल है। तो ये प्रोसेसर मिल रहा है आप लोगों को इस रेंज के फोन पे, आप लोगों को पता है स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर कितना पावरफुल है, तो उससे ज़्यादा ये थोड़ा पावरफुल है, तो ये गेम को सही से रन तो कर लेता है, लैग नहीं होने देता। एंड ये इसके फोन पे अभी अपडेट के बाद 90fps भी आ गया, क्योंकि इसका डिस्प्ले है 120fps का। तो सब लोग हैरान हो गए कि भाई 20,000 के फोन पे 90fps मिल रहा है, बट आप लोग जब इस पे 90fps पे खेलोगे, 90fps खराब नहीं है बट इसका स्टेबल नहीं है ये फोन। आप लोग 90fps पे खेलोगे 90fps पे गेम चलेगा, बट जब आप लोग ज़्यादा हॉट ड्रॉप पे उतर जाओगे या फिर बंदे आ जाएंगे आपके सामने, तो ये 90fps को कभी 60 पे लेके चला जाएगा, फिर 70, 75, ऐसे अप एंड डाउन करता रहेगा। तो इसको बोलते हैं स्टेबल ना होना। बट आईफोन पे अगर आप लोगों को 60 दे रहा है तो 60 कॉन्स्टेंट देता है, तो आईफोन से कंपेरिजन नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ आईफोन पे कॉम्पिटिटिव खेला जाता है तो उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो देखो इस पे जो 90fps दे रहा है ये अप एंड डाउन करता रहता है। अब आप लोग समझ लो 90fps पे नहीं 60fps पे खेल रहे हो, तो भाई जब 60fps पे आप खेलोगे तब आप लोग जब क्लासिक खेलोगे या फिर नॉर्मल खेलोगे वो तो बिल्कुल सही रन करेगा, क्योंकि प्रोसेसर भी पावरफुल है और 60fps तो रन कर ही लेगा, तो बिल्कुल सही से रन करेगा क्लासिक पे। बट समझो आप जब कॉम्पिटिटिव खेल रहे हो, आपके छोटे से जोन पे समझ लो अभी 40 या 50 अलाइव है, तब आप 60fps पे खेल रहे हो, तब आईफोन भी कभी कभी लैग मार जाते हो, हीटअप हो जाए, तो तब ये फोन कितना डाउन करेगा FPS को इसका नहीं पता। तो अप्रोक्सीमेटली मतलब ये समझ लो एंड्रॉयड पे आप लोग खेल रहे हो तो सबको पता है ये जैसे नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन करता है ये भी ऐसे 40 कभी 35 ऐसे लेके चला जाएगा जब आपके लास्ट जोन पे अच्छे खासे बंदे बच जाएंगे। बट भाई एंड्रॉयड फ़ोन पे और एक बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, स्टार्टिंग के टाइम पे वो तो बिल्कुल सही रन करता है बट 1-2-3 साल बाद फ़ोन पे जब आप लोग नॉर्मल क्लासिक भी खेलोगे फ़ोन इतना ज़्यादा लैग मारेगा, आपको लगेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ ओल्ड फ़ोन पे खेल रहे हो, मतलब उसका प्रोसेसर बिल्कुल डाउन पड़ गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो लोग फ़ोन पे अपडेट देते हैं या प्रोसेसर को यूज़ करते करते फ़ोन डाउन पड़ जाता है। तो इस फ़ोन का जो अपडेट है, इस फ़ोन पे जो अपडेट आएगा वो आएगा 2 साल का। अगर आप लोग ये 20K का फ़ोन को ले रहे हो एंड सोच रहे हो आप इसको 4 साल चलाओगे या फिर 3-5 साल चलाओगे, तो भाई लास्ट जो 2 साल होंगे ना, अगर 3 साल चला रहे हो तो लास्ट जो 1-2 साल होंगे तब ज़्यादा ही लैग करेगा। तो अगर आप लोग सोच रहे हो 4 साल चलाओगे फिर पूरा 4 साल ही कॉम्पिटिटिव खेलोगे, तो आप लोग लास्ट 2 साल खेल नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा लैग करेगा, ये ट्रूथ है। बट आप लोग अगर 2 साल के लिए फ़ोन ले रहे हो, अगर आपका बजट इससे ज़्यादा नहीं जा रहा 20K से ऊपर, आप लोग को यही लेना है, इसका बजट ऊपर नहीं जा रहा, तो भाई आप लोग इसको ले सकते हो। बस 2 साल के लिए खेल चला रहे हो फ़ोन को, तो 2 साल तक इस चला लेगा मॉडरेटली बट लैग करेगा, हाँ FPS ड्रॉप होगा इस पे। अब भाई मैं जब बोल रहा हूँ कि इस फोन पे गेम लैग होगा, तब बहुत लोग मेरे को कमेंट करेंगे कि भाई इन्फिनिक्स ने एक बजट के अंदर 20,000 में पहली बार कोई एक गेमिंग फोन लॉन्च किया एंड तुम इसका बैड फीडबैक दे रहे हो। देखो भाई मैं बैड फीडबैक नहीं दे रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि जब
कॉम्पिटेटिव पे 40-50 बंदे बच जाएंगे तब लैग होगा। और ये मैं कॉम्पिटेटिव के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि फोन खराब है, फोन गेमिंग के लिए खराब है, फोन पर क्लासिक नहीं खेल सकता, आप आराम से खेल सकते हो। बट कॉम्पिटेटिव में ना जो पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पूरा जो सीन होता है, वो पूरा चेंज हो जाता है। तो भाई देखो लास्ट पे आप लोगों का आंसर ये होगा कि ये फोन को कॉम्पिटेटिव के लिए लेना चाहिए कि नहीं। अब देखो अगर आपका बजट 20K से ऊपर नहीं जा रहा है तो भाई आप लोग आराम से इस फोन को लो। 20K के अंदर ये बेस्ट फोन है, पूरे मार्केट पे ऐसा फोन है नहीं, और एक है Redmi K20i, बट ये दो ही फोन है 20K के अंदर, वो थोड़ा 20K से ज्यादा है। हाँ तो आप लोग आंख बंद करके इस फोन को ले सकते हो अगर आपका बजट 20K है तो। बट आप लोग अगर बजट को पुश कर सकते हो और आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको कॉम्पी खेलना है, तो भाई इस फोन इतना अच्छा नहीं होगा ये फोन कॉम्पिटिटिव के लिए। बिकॉज आप लोग को पता है एंड्रॉयड लैग करता है, इसका प्रोसेसर सही है, सब सही है मैं मानता हूँ, बट ये लैग करेगा कॉम्पिटिटिव पे। आप जब इसका यूट्यूब पे जाओ कहीं रिव्यू देख लो जो बंदा कॉम्पिटिटिव खेल रहा है, आप लोग देखोगे इस पे फ्रेम ड्रॉप हो रहा है कॉम्पिटिटिव मैचेस पे। तो भाई देखो मैं तो यही बोलूंगा कि दिस फोन इज गुड फॉर कंटेंट क्रिएटर। अगर आप लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, आप लोग फोन को यूज करना चाहते हो, आप लोग का फोन बहुत अच्छा है। बट अगर लोग अगर कॉम्पिटिटिव पे जाना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो पे आप लोग को जाना है, तो ये फोन ऐसे ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, बट आप लोग 1-2 साल कॉम्पिटिटिव में ये फोन से चला सकते हो, 1 साल तक को चला ही सकते हो। फिर जब स्लो पड़ जाएगा फिर आपको फोन चेंज करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव के लिए। तो भाई पहले ये आप लोग डिसाइड कर लो आप लोग को फोन लेना किस चीज़ के लिए है, उसके बाद आप लोग फोन लो, पूरा रिसर्च करो। एंड गाइज मैं हर बार बोलता हूँ कि अभी फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज आने वाला है, सामने बहुत सारे सेल्स आने वाले हैं, तो थोड़ा अभी रुक जाओ, पेशेंस रख लो, बहुत ज़्यादा ऑफर आएगा तब फोन लेना। तो भाई आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। तो भाई अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को और एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई एंड बेल आइकन दबा दो, क्योंकि हम लोग और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। और भाई गेम प्ले वेम प्ले बहुत कुछ है चैनल पर, तो आप लोग जाके चेकआउट भी कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, अब तक के लिए बाय गाइस। भाई अभी लास्टली आप लोगों को एक चीज दिखाना है, बहुत लोगों को लगता है भाई ऐसे ही बहुत मजे में यूट्यूब कर रहे हैं, भाई यूट्यूबर तो इजीली बन जाते हैं। भाई अभी एक चीज देखो, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा था, ठीक है, वॉइस ओवर दे रहा था, एंड अभी टाइम देखो आप लोग भाई, रात के 1:11 हो रहे हैं, अभी मैं वॉइस ओवर दे रहा था वीडियो में। तो भाई इतना भी ईजी नहीं होता है, ठीक है।